मनीषा के निकले आंसू। भाई मनीषा काफी ज्यादा रोई है जिया शंकर के साथ, काफी ज्यादा रोलर कोस्टर जैसी उनकी लाइफ ये जर्नी रही है। मनीषा ने और जिया ने ज्यादा बातचीत नहीं की, लास्ट लास्ट में ज्यादा बात करते हुए नजर आए, जहां पर हमेशा टोन मारती थी जिया शंकर मनीषा रानी को। मनीषा रानी उस चीज़ को जाने देती थी, पर मनीषा को कहीं ना कहीं पता था कि भाई वो इस ग्रुप में आई क्यों है, क्यों आ रही है। अभी इवन लास्ट गेस्ट के जाने के बाद भी जो है मनीषा बात करना चाहती थी फुकरा इंसान से, वहां पर आके बैठ गई थी जिया शंकर, वहां से उठ के भी नहीं गई जहां पर मनीषा चुप हो गई। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जहां पर मनीषा जो है एल्विश से भी बात करना चाहती थी पर जिया ने उसको अकेले नहीं छोड़ा, फुकरा इंसान एल्विश को वह अकेले नहीं छोड़ती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसके ऊपर हमें काफी ज्यादा गुस्सा आता था, पर अब जिया जो है जा चुकी है और ये जो भी बुरी चीजें होती हैं एट ए टाइम के लिए होती हैं, जब गेम खत्म सब चीजें खत्म होती हैं, कुछ लोग ग्रजेस जो है पालते हैं। मनीषा ने भी कुछ भी अपने दिल में नहीं रखा और जब जिया जा रही थी तब उसके रोना देख के मनीषा का भी रोना जिस तरीके से निकला, उससे यही पता चलता है कि भाई कितनी अच्छी है ये लड़की। जिया ही है जिसने बोला था कि फुटेज के लिए रो रही है जब आशिका गई थी, आज जो है जिया भी गई है, तो क्या ये फुटेज है भाई। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।